अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी कमाल मीडिया और मैं हूं आपका मेजबान साकिब मुनीर। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। नाज़रीन, इस बढ़ती हुई महंगाई के हम सब ही शिकार, आइए जानते हैं कौन है इसका जिम्मेदार। तो चलते हैं अवाम की जानिब और सुनते हैं उनकी जुबानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? नदीम है मेरा नाम। क्या काम करते हैं? मैं तो पिज्जा बनाता हूँ पिज्जा इंसक्स पे। अच्छा नदीम भाई, इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आजकल के दौर में पाकिस्तान में खास तौर में जीना बिल्कुल ही मुनासिब होने के लिए मुश्किल हो गया है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, वो गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अगर वो सोचे ना तो महंगाई बहुत कम हो जाए। वो यही सोचते हैं कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो अपनी आशाएं पूरी कर रहे हैं, अपने बारे सोच रहे हैं। आवाम के गरीब सब मर रही हैं, तड़फ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपनी आशाएं पूरी कर रही हैं, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रहे बस। ऐसे क्या इंतजाम करने चाहिए जिससे महंगाई कम हो? ऐसे ये इंतजाम करने चाहिए कि जो बड़े अफसरों को प्रोटोकॉल मिलते हैं ये प्रोटोकॉल कम किया जाए। इसकी वजह से ये गरीब जो आवाम है वो इसकी महंगाई बेहतर हो जाएगी कुछ। तो नाज़रीन भाई का कहना था कि ये जो प्रोटोकॉल का सिस्टम है, वीआईपी का कल्चर है, ये जो निजाम चल रहा है पाकिस्तान में, इसको खत्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। जी, क्या नाम है आपका? फहद रशीद। तो क्या काम करते हैं आप? मेरी ये कंपनी है एडवर्टाइजमेंट की, तो हम मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो तंग आए हैं, परेशान है पेट्रोल की कीमतों से, गाड़ी पेट्रोल में चलती है। अब खुद सोचे कहा कि जब हमने काम शुरू किया था तो 120 रुपए 130 रुपए में था, और क्लाइंट तो पैसे भी देता था, अब क्लाइंट भी जो है ना हमें पैसे नहीं देता, और बड़ा परेशान है, मजबूर है, लेकिन क्या करें कि घर का मामला चलाना है, इसलिए कर रहे हैं काम मजबूरन। और अब खुद देख ले कि जहाँ पे हम काम करते थे मतलब मुख्तलिफ कंपनियों का जो है ना कम पैसों में, अब वही जो है ना कहते हैं हमें पुराने पैसों में करके दो। तो हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम है, बड़े इश्यूज हैं हमारे ऊपर, लेबर के पैसे पूरे करने हैं। लेबर वाला भी देखे अब 800 रुपए में क्या गुजारा करे वो, अब उनसे 800 रुपए हम दिहाड़ी का देते हैं, अब 800 में वो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाए। इसी तरह ड्राइवर है, ड्राइवर को पहले जो है ना वो हम 1000 रुपए देते थे, अब वो भी कहता है कि जी आप 1000 रुपए में कुछ भी नहीं आता, ना आटा आता है ना खाने पीने की कोई चीज आती। आप इतने मसाइल को फेसिस कर रहे हैं, आपके नजदीक इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस महंगाई का जिम्मेदार हुक्मरान है, जिसे हम जो है ना जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं है। वो अपने ना प्रोटोकॉल्स खत्म करते हैं, ना अपने उनके जो है ना ऐशी खत्म हो रही है। अवाम है, अवाम का कुछ सोचता नहीं है। अब खुद सोचे कि कोई बंदा किस तरह जो है ना 800 रुपए में अपना गुजारा करेगा, अपने घर का आटा देगा, चावल देगा, चीनी देगा। चावल तो वैसे उसकी पहुंच से औकात से बाहर हो गया। अब खुद सोचे 400 रुपए किलो चावल है, वो क्या लेके जाएगा आपने दिया। तो इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को? देखिए, इसके लिए हुकूमत तो इकदाम यही कर सकती है कि जितना फौरी रिलीफ दे सकती है अवाम को वो रिलीफ दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम तो भाई वो सोच चुके हैं कि हुक्मरान जो है उन्हें अवाम का कोई ख्याल भी होगा। तो बेहतर तो यही है कि जितना मैक्सिमम जो है ना वो सब्सिडी दी जा सकती है, अवाम को सब्सिडी दी जाए, अमीरों पर टैक्स लगे और गरीबों को उसका बेनिफिट हो। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे हुक्मरान जब ये कहे कि अमीरों को और अमीर करो ताकि जो है वो गरीब जो है ना उसको नौकरी मिले, बजाय अमीरों पे पैसे लगाने पे गरीबों पे पैसे लगाए ताकि अवाम का भला हो, अवाम का फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? आपका अब्दुल खालिक। अच्छा अब्दुल खालिक, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो कितनी दिहाड़ी है आपकी? 1000 रुपया पूरा नहीं होती। आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? आपको नवाज शरीफ का ताल्लुक रखता है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप किस जगह से हो, आप रहायश कहाँ है? आपका रवाज अमीर चौक है, अड्डे लग जाए मजदूर थे। 1000 रुपया तरीके नहीं पूरा होगी, बच्चे बीमार है, 1000 रुपया की करो, घी गिनो आटा गिनो की गिनो चीनी गिनो की गिनो, नहीं पूरा नहीं होती, महंगाई चढ़ती चढ़ती गई है। कितने बच्चे ने तोड़े? तीन बच्चे ने। तो गुजारा किस तरह हो रहा है? गुजारा नहीं होता, आपको दो जो महंगाई ज्यादा होनी गई है, तीन बच्चे मकान का किराया गाँव का किराया की करो की भरो, 1000 रुपया जा रही है की, आपको बहुत परेशान है, बीमार है, बुखार है, की कर लो। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपके पैगाम देते हैं आपके हाँ के महंगाई बड़ा घाट करे, परेशान है बहुत, बुखार है इधर भी। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक आदमी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुल्फ़िकार अली जी। ज़ुल्फ़िकार साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ।
तो जुल्फकार साहब, ये आपने आटा रखा हुआ है छोटे से थैले में, तो इस बारे में बताइए इतना कम क्यों है? 160 रुपए किलो, 320 का 2 किलो आटा है। 3 बच्चे खाने वाले 2 हम हैं, 5 फ्राद खाने वाले 2 थे, 1 दिन का राशन है हमारा। तो मजदूरी जिस दिन दिहाड़ी लग जाती है तो ये हो जाता है, जिस दिन नहीं तो बस। तो आपके नजदीक के महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप के लिए आटा लेना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, अब क्या करें? अब तो होने वाली बात है। जी तो देखा नाजरीन आपने कि ये बताते हुए भी आप दीदा हो गए कि उनसे बताया नहीं जा रहा कि थोड़ा सा आटा है, घर में 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, लेकिन कल का नहीं पता। आज वो लेके जा रहे हैं लेकिन कल का उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता रोटी पकेगी, खाना बनेगा या नहीं बनेगा। नाजरीन, एक सब्जी वाले भाई से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से उनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद अहमद। सजाद भाई, आप इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, बढ़ती हुई महंगाई आप जो है ना बहुत ही ज्यादा हो रही है। अभी कुछ पहले थोड़ी सी कम थी लेकिन अब फिर जो है ना बढ़नी शुरू हो गई है। सब्जियों के रेट सब अप होना शुरू हो गए। तो आप एक मिसाल टमाटर को ले लें, टमाटर अभी 2 दिन पहले 40 रुपए था, अब 60 रुपए पे आ गया। प्याज कम हो गई है लेकिन अब फिर जो है ना अप होना शुरू हो गई है। नागरिक जाने हमने लोगों के तासरात, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने मेजबान साकी मुनीर को इजाजत दीजिए। देखते रहिए दी कमाल मीडिया। अल्लाह हाफिज।